जानेंगे मझगांव डॉग से और को ले। बट नजर रखिए कुछ और स्पेसेस पर भी जहां पर मूव बड़ी आ रही है और आज गिरावट है शिपयार्ड स्टॉक्स में। मझगांव डॉक 9% नीचे ये काउंटर ट्रेड करते दिख रहा है। तो बड़ी तेजी के बाद आज एक अच्छी खासी मुनाफा वसूली भी आपको इस स्पेस में आती हुई दिख रही है। एक बार जरा मझगांव डॉक के चार्ट पर राय भी लेते हैं। सुदीप जी, एक बार मझगांव डॉक का चार्ट देखिए सर, आज बड़ी गिरावट आई है 9% नीचे। दीपांशु, मझगांव डॉक का यदि हम चार्ट देख रहे हैं जो हिसाब से, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि स्टॉक ने जो एक कंसोलिडेशन जो हो रहा था पिछले हफ्ते 10 दिन से, और 4700 4800 के आसपास से बार बार सपोर्ट लेके हल्का सा रिबाउंड हो रहा था, पर आज वो पुराना जो सपोर्ट जोन था और 50 दिन का जो मूविंग एवरेज भी 4680 के आसपास था, अब उतने नीचे ब्रेक डाउन दिया है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे ये प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा और बढ़ेगा आगे तक, और 3950 4000 के आसपास स्टॉक एक बार रिटेस्ट कर सकता है लोअर लेवल्स, और ये एग्जैक्टली वही जोन है जहां पे जून 2024 में 2 महीने पहले यही लेवल से ब्रेकआउट आया था 3880 3950 के जोन से। तो मुझे लग रहा है फिर से ये एक प्रीवियस ब्रेकआउट जोन को रिटेस्ट करने के लिए स्टॉक आएगा एक बार। तो यह है आपके लिए मझगांव डॉक, जहां पर आज खैर एक बड़ी गिरावट आ रही है और सारे शिपयार्ड स्टॉक्स, कोचिन, गार्डन रीच, यहां पर भी आपको अच्छी खासी गिरावट आती हुई दिखी है। इस पर रखेंगे नजर।